हेलो नमस्ते नमस्ते यू से नमस्ते जानते भाई तू क्या सोच रहा है रोटी खाते हैं कांच खा जाते हैं कांच खा जाते हो हाँ जी क्या बोल रहे हो ओके 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 तो देखो मैम लोग अभी फोटो खींची के हमारे साथ ओके आमिर जल महल ओके ओके बढ़िया विन पैलेस यू आर नॉट फ्रॉम बनपुर चल निकल दो हजार तेरह में जब बाढ़ आया था ये जगह पूरा डूब चुका था बाबा जी कांच खा जाते हैं अरे ला के दिखाओ जब पता लगेगा आपको अरे नहीं 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 ऐसे क्यों मानेगा पतरा वाला कहाँ बारीक वाला कांच लेके आओ ये मोटा वाला नहीं ये डाले नहीं है ये चबा जाता बारीक वाला जो बल्ब वाला रहता है ना बल्ब वाला कांच खा जाते हो बराबर यार बाबा जी बोल रहे कि बाबा जी कांच खा जाते हैं वो तोड़ के खा जाते हैं यार अरे खा जाते हैं राम जी झूठ क्यों बोलेंगे गंगा जय हिंद जय भारत दोस्तों आप सबको स्वागत करता हूँ आसाम से केदारनाथ साइकिल यात्रा के और एक नए वीडियो में अभी मैं हूँ गंगा नदी के ब्रिज के ऊपर और ये रहा देखो अपना गंगा मैया कितना सुंदर से बह के जा रही है और देखो आगे कितना बड़ा एक भोलेनाथ का मूर्ति बना हुआ है और ये है अपना गंगा मैया और आगे ये हर की पौड़ी तो हमने दो दिन रुका हरिद्वार में हरिद्वार काफ़ी अच्छा प्लेस है और अभी हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं आगे की ओर केदारनाथ यात्रा के लिए फिलहाल ये देखो अपना साइकिल यहाँ से यार जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है लेकिन क्या करूँ यार केदारनाथ तक तो पहुँचना पड़ेगा ना वहाँ पे भी भोले बाबा का तो दर्शन लेना पड़ेगा फिलहाल तो यार ये सीन का थोड़ा यार मजा ले रहा हूँ आप लोग देखो कितना बढ़िया से अपना जो गंगा मैया है बह के जा रही है यार और ये जो पानी है प्योर ग्लेशियर से आ रही है प्योर ग्लेशियर पिघल के पानी को दो भाग में डाइवर्ट कर दिया गया है एक भाग यहाँ से गया है और एक भाग उस पार से गया है नहीं तो पानी का जो रफ्तार है बहुत ही ज़्यादा होगा हरिद्वार से निकलने के बाद इस रूट में ना इतना प्यारा प्यारा इतना सुंदर सुंदर मंदिरें देखने को मिल रहा है ना तो बेसिकली मेरे आगे और एक मंदिर है देखो कितना सुंदर कितना बढ़िया से सजा के रखा गया है और ये जो मंदिर है फुल्ली वाइट है यार और पीछे भी बहुत सारा मंदिर दिखाई दिया था यार ये सब देख के ना एक अलग ही सुकून मिलता है और ब्रिजों में भी ऐसे पेंटिंग किया गया है हमने एक गलती कर दिया हमें लेना था फ्लाईओवर के ऊपर से और हमने लिया नीचे से तो नीचे से रोड क्लोज है ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर आ चुके हैं अब यार देखो सीढ़ी से साइकिल चलाना पड़ रहा है ऊपर तक तो भाई इसका साइकिल तो जैसे तैसे चढ़ जाएगा लेकिन मेरा साइकिल थोड़ा दिक्कत देगा कर रहा है सामान ना आपको मेरा थोड़ा सामान ज़्यादा है ना यार कभी सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है यार पता ही नहीं है तो भाई रोड क्लोज का वहाँ पे बोर्ड भी नहीं लगाया कैसे लोग है भाई चल उठा ले उठ जाएगा उठा ले और ज्यादा नहीं थोड़ा चलो बॉयस हो जाएगा चलो और भाई साइकिल अपने ऊपर आ चुकी है भाई थैंक यू ब्रो मदद करने के लिए और मेरे वाला में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि लगेज ज़्यादा है ना तो हमने जस्ट अपना साइकिल क्रॉस किया ही था और इधर चार बाबा जी मिले जो कि यात्रा कर रहे हैं तो बाबा जी आप लोग कहाँ का यात्रा कर रहे हो अपन चार धाम की यात्रा करेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री है ना कहाँ से स्टार्ट किया था महाकाल बाबा महाकाल बाबा और आप लोग खाते क्या हो वैसे वैसे तो रोटी खाते हैं कांच खा जाते हैं कांच खा जाते हो हाँ जी क्या बोल रहे हो नहीं मालूम तो ला के दिखाओ बाबा जी कांच खा जाते हैं सच में कांच खाते हैं अरे ला के दिखाओ जब पता लगेगा आपको अरे नहीं 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 ऐसे क्यों मानेगा पतरा वाला कहाँ बारीक वाला कांच लेके आओ ये मोटा वाला नहीं ये डाढ़े नहीं है ये चबा जाता बारीक वाला जो बल्ब वाला रहता है ना बल्ब वाला कांच खा जाते हो बराबर ये कैसे हो सकता है यार अरे तुम तो ला के दिखाओ फिर देखो आंखों से सामने नहीं 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 हम तो ऐसे नहीं कर सकते यार बाबा जी बोल रहे कि बाबा जी कांच खा जाते हैं जिसको लाइट नहीं चलता लाइट बल्ब वो तोड़ के खा जाते हैं यार अरे खा जाते हैं राम जी झूठ क्यों बोलेंगे गंगा भोले बाबा के लिए कुछ भी कह सकते हैं तो सारे बोलो हर हर महादेव हर महादेव तो चलो आप लोग का यात्रा शुभ होगा जय भोले जय भोले जय शंकर और कांटा लगे ना कंकर कंकर चलो आप लोग का यात्रा शुभ होगा चलो हम भी निकलते हैं और बाबा जी लोग ये साइकिल लेके यात्रा कर रहे हैं चारों
अभी पैदल ही चल रहे हो? हरिद्वार से पैदल ही चल रहे हैं। हरिद्वार से पैदल ही चल रहे हो ना, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, चलो मिल गए तो मिल गए, चलो साथ में निकल लेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो देख रहे हो ना, भोले बाबा के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। हर महादेव। ऋषिकेश 15 किलोमीटर, बद्रीनाथ 304 किलोमीटर और केदारनाथ यहाँ से है 256 किलोमीटर। ऋषिकेश से हमें अलग रूट लेना पड़ेगा केदारनाथ के लिए। मैगी बनाने के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं, बहुत जोर से भूख लग रहा है। सुबह एक कप चाय पी के निकला था गुरुद्वारे से, अभी ऑलमोस्ट 11:30 तो बज गए होंगे, तो जगह ढूंढ रहे हैं यार, खुद बना के खाएंगे। ये सब जगह तो सही है बनाने के लिए, लेकिन यार काफ़ी गंदा हो रखा है। लोग क्यों गंदगी करते हैं नहीं पता यार। मैंने अभी जश्नों देखा एक बंदा गाड़ी से कचरा गिरा रहा था ऐसे जगहों में। यार यार ये सब पर भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने देश पर गंदगी कर रहे हो। यहाँ से साफ साफ पहाड़ी दिखाई दे रहा है, शायद से आज अपन उस पहाड़ी में चढ़ाई करेंगे। मज़ा आएगा, मज़ा एक तरफ से मज़ा भी आएगा, एक तरफ से सजा भी आएगा। तो इसी तरह हम अभी पहुँच चुके हैं ऋषिकेश और साइकिल को रखने का जुगाड़ कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली हम गुरुद्वारे देख रहे हैं, अगर गुरुद्वारा मिल गया तो सही है, नहीं तो यार थोड़ा दिक्कत होता है ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों में, क्योंकि ये सब इलाके में ना टूरिस्ट की कमी नहीं होती ना, तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। और गुरुद्वारा में भी चार्ज लगता है, हम तो यार बिना पैसे के ट्रैवल कर रहे हैं, चार्ज ही देना दिक्कत हो जाता है। फिर भी देखते हैं बातचीत करके क्या बनता है। साइकिल हमने रख दी है गुरुद्वारा में और अभी जा रहा हूँ ऋषिकेश घूमने के लिए। ऋषिकेश में क्या क्या है, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा अभी त्रिवेणी घाट में। ओह नो नो नो, काफ़ी बड़ा जाम लगा है, ये पैदल ट्रैफिक है क्योंकि अभी अभी स्कूल छुट्टी हुआ है ना। यार जितना आगे जा रहा है उतना सुंदर सुंदर मार्केट देखने को मिल रहा है, और वहाँ पे जाके शायद से हम नहा भी सकते हैं। प्लान तो वैसे बन रहा है, अगर नहाने का सिस्टम रहा तो जाके नहाएंगे भी। घाट में तो नहाने का सिस्टम रहता ही है, यानी कि हम वहाँ पे नहाएंगे आज, देखते हैं। वो तो वहाँ पे जाके पता चलेगा क्या सीन है क्या सीन नहीं है। यहाँ से त्रिवेणी घाट का द्वार है, स्वयं भोले बाबा ऊपर बैठे है। यहाँ पे ये दिखाया गया है स्वयं महादेव और पार्वती जी पहाड़ के ऊपर बैठ के इस जगह को सुरक्षा कर रहे हैं। और आगे देखो कितना सुंदर पहाड़ है, और बेसिकली यही है त्रिवेणी घाट। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ उतरने के लिए, और पानी काफ़ी ठंडा है। ओ भयंकर, हाँ गहरा ज़्यादा नहीं है बट पानी काफ़ी ठंडा है क्योंकि सीधा हिमालय से आ रहा है। जब हम गंगा घाट में नहाए थे कल, वहाँ पे भी काफ़ी ठंडा है, तो एक डुबकी लगाते हैं गंगा मैया के नाम पे। जय गंगे। ओ भयंकर, और एक डुबकी, और एक। ओ पानी बहुत ठंडा है। अरे भयंकर, वो किधर ही चलेगा, वो इधर आ जा। चल डुबकी लगा, नहीं चल रहे, लगा ठंडा भाई पानी लगा रे, ओए लगा, चल डुबकी लगा लगा लगा, रुकना पड़ेगा 2 मिनट अंदर। नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ, लगा डुबकी, ठंडा पानी बहुत नहीं रु, अरे 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 लगाएगा। कैसा लगा? बोला रे गंगे, गंगे भाई पानी तो काफी प्यारा है, लेकिन यार ठंड ज्यादा है। अरे अरे भाई ऐसे नहीं करने का, ऐसे नहीं करने का। ये जो भाई आप लोग देख रहे हो ना, ये एकदम उधर से आ रहा है, और वहाँ पे काफी गहरा था पानी। हाँ वहाँ पे कितना दिखाइयो, खड़े हो, कम है। और तेरे को तैरना कौन सिखाया है? खुद सिखा। वो बीच में कितना पानी था? बहुत ही नाम बहुत ही है ना पानी का, है कि नहीं? तैर के आ जा, चल देखते। तो भाई फिर से लगाने वाले हम डुबकी। भाई भाई क्या, ओ तैर रहे हो सच में? तैर के गया, तैर के गए तू सच में? वो मैं तैर के नहीं गया था, पानी के लहर से गया था। काफी ठंडा है पानी भाई, बर्फ पिघल के आ रही हूँ ऐसे। भाई कैसे रुके हो तुम यहाँ पे? ओ भयंकर, नहाने का मजा कुछ अलग है ना। गर्म पानी तो कितना मजा आता है। हाँ गर्म पानी आता था ये गर्मी में, और गर्म पानी चाहिए तुम्हें? हाँ लाइफ की मजा ऐसा लेना है तुम्हें? भाई ये पानी अभी ऊपर चलेंगे अपन तो बर्फ ही मिलेगी वहाँ पे, बर्फ ही। अपने को ना देवप्रयाग में जाने का बहुत मन है, वहाँ का जो संगम है वो यार
चलो नेक्स्ट लेवल वाला संगम है। यहाँ के बच्चे काफी तेज है, बोल रहा है कि कौन आएगा मरने। वो लोग वाटर प्रूफ जैकेट पहने हुए है ना, तो इसके लिए यार उनको डर नहीं है। वो देखो कहाँ कहाँ चले गए बच्चे यार, बीचों बीच। बहुत बढ़िया से, बहुत सुकून से हमने नहा लिया है, अभी फिलहाल निकल रहा हूँ। और इस जगह को क्यों त्रिवेणी घाट बोला जाता है जानते हो? श्री राम जी ने रावण का वध करके यहीं पे आके तपस्या किया था, उसके बाद से इस जगह को त्रिवेणी घाट नाम से जाना जाता है। और यहाँ का जो पानी है काफी क्लियर है, कितना प्यारा ब्लू ब्लू टाइप आता है। और देखो कितना प्यारा हवा आ रहा है यार, यहाँ से जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। खास करके यहाँ का जो नज़ारा है, देखो आगे कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं यार। जो जो यात्री आए वो लोग यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं फिलहाल, तो एक पेड़ के नीचे। काफी ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे यार, अपने को भी सोने का मन कर रहा है। ठंडी है ना भैया? ठंडी देना भैया, ठंडी है ना। ओके, तो अभी हम पीने वाले स्प्राइट। इस ट्रिप का पहला कोल्ड ड्रिंक खुद परचेस किया, वो भी भाई ने खिलाया। ठीक है भाई, शुक्रिया। इधर देख दे यार, देख भाव मत दे, चल चल देख ही ले, देख ही ले जरा। पैसे तेरे लग रहे हैं ना? अरे मेरे नहीं लग रहे भाई, तू अपना पैसा दे रहा है, मैं तो सिर्फ खाने में हूँ। रात हो चुका है और हम आ चुके हैं अभी जानकी पुल, थोड़ा नाइट लाइफ एंजॉयमेंट करने के लिए। फिलहाल तो ये नीचे गंगा नदी बह रही है और ये जो पुल है काफी सुंदर से लाइटें वगैरह जला के रखा गया है। ब्रिज को तीन पार्ट से डाइवर्ट कर दिया गया है, दो तरफ से आने जाने का व्हीकल्स और एक तरफ से लोग आने जाने का। ऋषिकेश और हरिद्वार में आपको यात्री की कमी नहीं मिलने वाली है, जहाँ तक आप देखोगे वहाँ तक यात्री ही यात्री। कल हम जब रुके थे हरिद्वार, हरिद्वार में तो क्या बताओ यार, वहाँ पे रुक के ना मतलब अकेलापंती फील ही नहीं हुआ, इतने सारे लोग थे, पूरा गंगा घाट भरा पड़ा था। तो इसी तरह हम आ चुके हैं परमार्थ निकेतन के पास, और यहाँ पे देखो काफ़ी सुंदर सुंदर भगवान जी का स्टैचू बना पड़ा है। इधर हनुमान जी का मूर्ति है, उधर भोले बाबा का भी एक मूर्ति है, और इधर दीवार पे पेंटिंग बना हुआ है, ये सब रामायण के चित्र है, सारे देख सकते हो। और हनुमान जी के जन्म से लेके हनुमान जी का जन्म से लेके आखिरी तक आगे बैठे हैं हमारे भोले बाबा, तो जाते हैं भोले बाबा के पास जाके थोड़ा दर्शन लेके आते हैं। दो हज़ार तेरह में जब बाढ़ आया था ये जगह पूरा डूब चुका था। ये जो आप लोग देख रहे हो जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये नया करके बनाया गया है, और भोलेनाथ के ऊपर से भी पूरा पानी गया था, लेकिन देखो भोलेनाथ का जो मूर्ति है वो कुछ नहीं हुआ। और जो पुल पे हम खड़े हैं ये भी नया बनाया गया है, तो देख सकते हो बाढ़ में क्या क्या चीज़ अनिष्ट नहीं हुआ, लेकिन अपना जो भोलेनाथ का स्टैचू है ये कुछ नहीं हुआ था। आसपास के कई घर भी खराब हो चुके थे पानी के दौरान, और हमारे जो भोलेनाथ है वो यहीं पे थे और अभी तक यहीं पे है। इधर मैम लोग देख रहे हैं। हेलो, नमस्ते नमस्ते, यू से नमस्ते। जानते हैं भाई, तू क्या सोच रहा है? लोग लग रही है। एक अभी चुरू इतार। ओके 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 ओके। तो देखो मैम लोग अभी फोटो खींचेगी हमारे साथ, तेज आप खींचेगी क्या? जयपुर 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 पिंक सिटी आगे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है राम झूला लक्ष्मण झूला, तो फिलहाल अभी बंद पड़ा है। और देखो गंगा नदी का जो लहर है, यहाँ का जो पानी का आवाज है ना साफ क्या कानों में आ रहा है यार, क्या बताओ। और देखो कितनी क्लियरिटी पानी है। इधर आपको मिला तो दो तीन भाई लोगों से हेलो हेलो हेलो, मुझे तो पहले मैंने तू निकल यहाँ से, तू निकल इसको निकाल दे, इसको निकाल दे, इसको यहाँ से नहीं निकालेंगे, इसको कहाँ से निकालेंगे? फ्रेम से बाहर निकालो, फ्रेम से बाहर निकल, तू निकल, तू अभी के लिए थोड़ा निकल जा।
तो भाई ये ब्लॉग को करते हैं यही पे एंड। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर हिट कर देना, और आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज यार कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब। सो चलो बॉयज एंड गर्ल्स, जय हिंद जय भारत।